हमने किया था। मनुष्य सृष्टि क्या है, कैसी है, कैसे चलती है, हूबहू चलती रहती है नॉन स्टॉप। कभी इस संसार की गति रुकती नहीं है। सृष्टि में हर सेकंड परिवर्तन होता रहता है, इसलिए कहा जाता है परिवर्तन प्रकृति का ना परिवर्तन होने वाला नियम है। परिवर्तन प्रकृति का ना परिवर्तन होने वाला नियम है। जिस सृष्टि चक्र को हमने गोल चक्र के रूप में देखा, भारत को हमने सीढ़ियों के माध्यम से देखा कि कैसे सीढ़ियों से हम आत्माएं परमधाम से नीचे उतरती आती हैं और अंत में फिर परमपिता परमात्मा आकर हमें पढ़ाते हैं, समझाते हैं और हमारे जीवन में सुधार आता है। ये हमने सीढ़ी वाले चित्र में देखा था। फिर हम सारी आत्माएं परमधाम जाती हैं। तो ये कल्प वृक्ष के रूप में हम देखेंगे। पहले हम अपने दिमाग में कल्प वृक्ष समझ लें कि इसको ट्री के साथ क्यों कंपेयर किया गया। ट्री में क्या होता है कि एक बीज होता है और एक बीज से दो पत्ते निकलते हैं, दो से चार, चार से आठ, सोलह, बढ़ते बढ़ते वो एक पूरा पेड़ बन जाता है। तो ठीक इसी प्रकार परमपिता परमात्मा कहते बच्चे मैं बीज हूं। ये साइड में बीज देख रहे हैं, मैं बीज हूं। परमपिता परमात्मा कहते मैं बीज हूं सारे सृष्टि के झाड़ का। मेरे से पहले दो पत्ते निकलते हैं, राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण। ये मेरे से निकलने वाले पहले दो पत्ते हैं और इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये एक बड़ा वट वृक्ष बन जाता है। इस प्रकार से ये संसार चलता है। तो ये हमें समझ में आया कि वृक्ष क्यों लिया, क्योंकि झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। उसके झाड़ बढ़ने को वृक्ष के साथ दिखाया है। तो हम इस सृष्टि के झाड़ को सारे विश्व के रूप में देखेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहली बात, अब हमें झाड़ के बनने की विधि को समझना है। ये झाड़ निकलता कैसे है और बीज काम कैसे करता है। इसका बीज परमपिता परमात्मा है, वो कभी भी इस संसार के अंदर रमता नहीं, परंतु संसार को ट्रिगर करने का काम करता है। जो सारा संसार तमो प्रधान बनता जा रहा था, पतित बनता जा रहा था, विकारी बनता जा रहा था, उस संसार को परमपिता परमात्मा आकर एक ट्रिगर का काम करते हैं, एक दिशा परिवर्तन का काम करते हैं कि गिरती कला को चढ़ती कला करते हैं। इसलिए परमात्मा एक संकल्प रेज करते हैं, एक संकल्प उठाते हैं जिससे ये परिवर्तन होता है। वो संकल्प हम आत्माओं को देने के निमित्त परमात्मा बनते हैं, इसलिए परमात्मा कहते मैं इसका बीज हूं, क्योंकि संकल्प बीज होता है। अब परमात्मा आकर इस संकल्प को देने के लिए हमारी भी पहचान देते, अपनी भी पहचान देते, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान देते। उस सृष्टि चक्र के ज्ञान में विश्व का सारा इतिहास पढ़ाने के लिए ये बाबा ने चित्र बनवाया है। इसके अंदर सारे विश्व का इतिहास हमारे सामने आएगा। तो अब ये परमात्मा कहते बच्चे, जैसे उस चक्र के अंदर हमने देखा था सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग आता है, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र चलता रहता है, अनादि काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। ठीक इसी प्रकार परमपिता परमात्मा कहते बच्चे मैं जब ये पेड़, ये सृष्टि, ये संसार जड़ जड़ी भूत हो जाता है, तमो प्रधान हो जाता है, भ्रष्ट और पतित हो जाता है,
तब मैं आकर झाड़ से नए झाड़ को बताता हूं। नए झाड़ का जन्म पुराने झाड़ से होता है। कभी सोचा ऐसा हो सकता है क्या? कभी दुनिया में आपने पेड़ से पेड़ बनता देखा है? कोई एग्जाम्पल आपके पास हो, नया एग्जाम्पल आपके पास हो जो पेड़ से पेड़ बनता हो? कलम लगाना, किसी पेड़ की कलम को लेकर लगाना, सुना होगा? कलम लगाते हैं ना? Yes. तो कलम कितने प्रकार की होती है? हैं जी, कलम दो प्रकार की होती है। एक कलम होती है किसी भी पेड़ की पेंसिल जितनी मोटी टहनी को लेना और उसे कलम की तरह टेढ़ा काटना और दबा देना, वहां से काट कर दबाना, वहां से अलग करके दबाना। और एक होती है दाब कलम। दाब कलम कहते हैं कि किसी पेड़ की टहनी को या तो धरती में झुकाकर दबा दिया जाता है और जब उसकी जड़ निकल जाती है तो उसे काट दिया जाता है। दूसरा, यदि हम उसकी टहनी को धरती के नीचे नहीं ला जा सकते, धरती तक नहीं झुका सकते, तो उसको वहीं पर ही खाद पानी मिट्टी लेकर कपड़े से बांध दिया जाता है और वहां पानी डालते रहते हैं ताकि उसमें नमी बनी रहे। कुछ समय बाद वहां से जड़ें फूट जाती हैं। जब जड़ें फूट जाती हैं तो पीछे से उसको काटते हैं। यहां वो पहले वाली कलम नहीं लगाते बाबा आकर के, यहां बाबा आकर के उसी पेड़ को टहनी को पकड़कर उसको ही खाद पानी देकर उससे ही नई टहनी को निकालते, नए पेड़ को निकालते हैं। समझ में आ गया? बाबा कहते मैं आकर नए वृक्ष की कलम लगाता हूं, नई सृष्टि की कलम लगाने का संकल्प करता हूं और आप बच्चों के द्वारा वो कलम लगवाता हूं। इसीलिए मैं करण करावन हार हूं, मैं अकर्ता नहीं हूं, मैं करता हूं, मैं रास्ता दिखाता हूं। तो इस प्रकार से ये जो पुराना झाड़ है, पुराना पेड़ है, उस पेड़ की ये टहनी पकड़ी और इस टहनी से सारी टहनियों को पालना पोसना शुरू किया। तो सबसे पहली टहनी ब्रह्मा को पकड़ा और ब्रह्मा के द्वारा इन सब को ज्ञान देना शुरू किया, सबको सींचना शुरू किया। ये पहला पत्ता है और ये दूसरा पत्ता है। तो शिव बाबा के संकल्प से ये दो पत्ते पहले निकलते हैं जो सतयुग के आदि श्री कृष्ण और राधा बनते हैं, श्री कृष्ण और राधा बनते हैं। तो मैं समझ में आया ये बात कि ये पहले पहले पत्ते हैं राधा और कृष्ण। और जब पेड़ के पहले पहले पत्ते निकलते हैं कितने प्यारे, कितने सुंदर लगते हैं। इसी प्रकार ये भी सुंदर थे। इनके साथ जो नए नए पत्ते आते हैं वो भी सुंदर लगते हैं, उसे स्वर्ग कहा जाता है, स्वर्णिम दुनिया कहा जाता है। और ये जो जन्म है इनका, इस नए पेड़ का, ये जड़ है, ये सारे के सारे जड़ में आते हैं। जो जड़ में आते हैं वही पहले प्रत्यक्ष होते हैं। जड़ में आना मीन्स जो ज्ञान को धारणा कर बनते हैं बाबा के बच्चे और जड़ बनते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम सारी सृष्टि का झाड़ हो,
झाड़ में एक नहीं बैठेगा, सारे बैठेंगे जो सारे संसार की आत्माओं को प्रतिदिन पालना करते होंगे, वो जड़ में बैठकर सारे कल्प वृक्ष की पालना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से परमपिता परमात्मा आकर ब्रह्मा और सरस्वती के द्वारा सारे संसार की आत्माओं को सत्य ज्ञान देते हैं, जिससे वो अपने जीवन में पवित्रता को धारण करते हैं। जिस पवित्रता के आधार पर सारे संसार की आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। मुक्ति कोई बताएगा किसे कहते हैं मुक्ति? सबको मुक्ति मिलती है और सबको जीवन मुक्ति मिलती है, मुक्ति किसे कहते हैं? कौन बताएंगे? कभी बताया नहीं मैंने अभी तक। मुक्ति माना हर आत्मा का सब आत्माओं से अकाउंट बराबर होना। परम धाम से आकर आत्मा ने इस संसार में जिस जिस आत्मा के साथ जो भी सुख व दुख का हिसाब किताब बनाया वो बराबर होगा, तब उसको मुक्ति मिलेगी। घर जाने से पहले कोई भी आत्मा अपने घर, ये आग लग रही है सारी दुनिया को, आग लगेगी, सारी आत्माएं घर जाएंगी, घर जाने से पहले हर आत्मा को अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करना है। किसी से सुख लिया हुआ है उसको सुख वापस करना है, किसी से दुख लिया हुआ है उसको दुख वापस करना है। लेना देना जब बराबर हो जाता है तभी सारी आत्माएं एक साथ घर जाती हैं, क्योंकि अकाउंट सबका एक साथ बराबर होता है, आगे पीछे बराबर नहीं हो सकता। मेरा किसी के साथ बराबर हो गया वो तो अभी मेरा कुछ और के साथ बचा हुआ है, इसलिए मुझे इस संसार में रहना पड़ेगा। उनका किसी और के साथ बचा हुआ है, उन्हें इस संसार में रहना पड़ेगा। एक तो है मुक्ति और दूसरा है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का मतलब है मैं अपनी स्व इच्छा से जीऊं, स्व इच्छा से कर्म करूं। इच्छा इतनी पावन बन जाए, हमारे संकल्प इतने प्योर बन जाएं कि हमारे से कोई गलती ना हो, तब हम सतयुग में आते हैं। जिसे हम बाबा शब्द देते इच्छा मात्रम अविद्या, मतलब हमें पता ही ना हो कि इच्छा क्या होती है। कुछ भी पाने की इच्छा ना हो, कुछ भी पाने की इच्छा ना हो, क्योंकि इच्छा होगी वो कभी अच्छा नहीं बनने देगी। इच्छा कभी अच्छा नहीं बनने देगी। तो बाबा हमें बहुत अच्छी तरह समझाते कि इस समय मुक्ति और जीवन मुक्ति सबको मिलती है, मेरे से सभी आत्माएं मिलती हैं, चाहे वो जड़ में बैठें या ना बैठें। वो पवित्र कितना बनेंगे वो हर एक की अपनी मेहनत पर निर्भर करेगा। अब जो जितनी मेहनत करके परम धाम जाएंगे वापिस आएंगे तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हो ये दिखाई देगा, ये अंडरग्राउंड रहता है, ये कभी किसी को पता नहीं लग सकता कि कौन कौन कहां कहां क्या क्या मेहनत कर रहे हैं, कैसे कैसे सारे संसार की पालना कर रहे हैं। ये अंडरग्राउंड है क्योंकि धरती के अंदर है, यानी गुप्त है, ये किसी को पता नहीं लग सकता, कि पड़ोसी को भी नहीं पता कि ये भगवान से पढ़ते हैं, घर में रहने वाले दूसरे लोगों को नहीं पता कि ये भगवान से पढ़ते हैं। कितनी गुप्त है, सिर्फ पढ़ने वाले को पता है कि हम भगवान से पढ़ रहे हैं, परंतु उनके परिवार के सदस्यों को भी पता नहीं होता कि ये भगवान से पढ़ रहे हैं, इतना गुप्त ये पाठ चलता है। तो जब ये धरती पर स्वर्ग आता है
मीन्स सारी आत्माएं जो 100% प्योर होती हैं वो आती हैं कृष्ण के साथ, स्वर्णिम दुनिया चलती है जिसको हम पिछले चित्रों में करके आए हैं 1250 साल तक। तो धरती एक होती है, पेंजिया जिसको हमने बताया था, उसके बाद दूसरा युग शुरू हो जाता है त्रेता युग 1250 साल तक। तब तक कॉन्टिनेंट एक रहता है, द्वीप एक रहता है, दूसरी कोई शाखाएं नहीं बनती, एक ही धर्म होता है आदि सनातन देवी देवता धर्म, एक ही धर्म होता है, दूसरा कोई धर्म नहीं होता है। जब पेंजिया टूटता है, धरती के टुकड़े होते हैं यहां पर, धरती के टुकड़े होने पर जो जहां गए उन्होंने सोचा हम बच गए, बाकी सारे मर गए। अब जो अमेरिका में गए उन्होंने सोचा हम बचे हैं, बाकी तो कोई मर गए सारे के सारे, बड़ा दुख हुआ, बड़े बुरा हाल हुआ। जो अफ्रीका में गए उन्होंने सोचा सिर्फ हम ही बचे हैं, बाकी तो कोई बचा ही नहीं, ऐसा जलजला आया, ऐसा भूकंप आया, ऐसी बाढ़ आई, जो भी उनको लगा। जो ऑस्ट्रेलिया में गए उन्होंने सोचा हम बच गए, जो एशिया में गए उन्होंने सोचा हम बच गए, जो यूरोप में गए, जो जिस कॉन्टिनेंट पर गए वो सब अपने आप में महसूस करते रहे कि हम सुरक्षित बचे हैं, बाकी तो सारे मर गए। और ये भी वंडरफुल बात देखिए कि पूरे 2000 साल तक एक दूसरे से अलग रहे। अब से 500 साल तक पहले कोई नहीं जानता था कि इस पृथ्वी पर भारत भी है, इस पृथ्वी पर अमेरिका भी है, इस पृथ्वी पर ऑस्ट्रेलिया भी है। आप नेट पर डालेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, अब से 500 साल पहले ही जब पानी के जहाज बने तब एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट की पहचान में आया कि और भी है इस धरती पर, और भी कोई दुनिया है जहां कुछ रहते हैं, कोई लोग रहते हैं, और वहां से आना जाना शुरू हुआ। अब जो जहां रहते थे 2000 साल तक, अब वो लोग जहां पर पहुंचे थे उस सीन को बहुत ध्यान से देखना है। उनके पास मकान नहीं थे, उनके पास घर नहीं थे, उनके पास कोई साधन नहीं थे, परंतु एक चीज उनके पास थी कि वे डाउन होते होते अभी 50% गुणवान थे। जो आज कलयुग में आकर जीरो हो गए हैं वही द्वापर के आदि में 49% तो पवित्र थे, दिव्य गुण उनमें 49% तो थे, 51% अवगुण आ गए थे। 49% बहुत होते हैं, आज की जीरो से 49% भी बहुत होते हैं। इस बात को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, जिस बात को मैं आप एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाऊं कि मैं जब नेशनल म्यूजियम देखने दिल्ली में गया तो वहां सिंधु घाटी की सभ्यता की फिल्म दिखाई जा रही थी। पढ़ना एक अलग बात होती है, वहां की आकृतियां प्रैक्टिकल में, वहां का बनावट, वहां का सब कुछ प्रैक्टिकल में मूवी में देखना वो एक अलग बात होती है। जब मैं वहां देख रहा था कि वहां की नगरों की बनावट कैसी थी, सड़कें कितनी बड़ी लाइन, बड़ी अच्छी लाइन मुझे वो लगी वहां जब उन्होंने सुनाए कि सड़कें उत्तर से दक्षिण की तरफ और पूर्व से पश्चिम की तरफ बनी है, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। कितना ब्रॉड माइंडेड थे, और आज मानसिकता कितनी गिर गई है आप इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। अच्छा तुम्हारा रास्ता आ रहा है, ले ये मेरा प्लॉट है, रास्ता बंद, निकल कहां से निकलता है। कितनी मानसिकता में अंतर आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, आज की जीरो मानसिकता और कहां
50% मानसिकता फिर भी अच्छी थी। उन्होंने अपने आप को जीवित रखने के लिए जो बनी हुई गुफाएं थी, जो भी सहारा मिल सकता था उनका उन्होंने सहारा लिया, नदियों के सहारे पर अपने जीवन को शुरू किया। उनके पास कोई साधन नहीं थे। आज जो हमारा इतिहास अवेलेबल है 2500 साल का है, भले वो उसको कितने भी साल बताएं, जब वो प्रैक्टिकल इसको जांच करेंगे तो 2500 साल से पुरानी कोई भी बात इस दुनिया में मिल नहीं सकती, क्योंकि हो ही नहीं सकती, वो ही नहीं सकती। अब जो लोग बचे थे उन लोगों ने जिन गुफाओं में जिन साधनों को बनाना शुरू किया, क्योंकि उनकी बुद्धि तो अच्छी थी, उन्होंने खेती करने के लिए पत्थर से फटाफट हथियार बनाए, धीरे धीरे धातुओं की खोज की, धीरे धीरे फटाफट हो गया ये काम, ज्यादा टाइम नहीं लगा, और उन्होंने अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। वो निशानियां, वो चिन्ह आज जो हमें मिलते हैं, हम समझते हैं कि पहले वो बुद्धू थे, परंतु वो बहुत अच्छे थे। उपलब्ध इतिहास में भी वो बहुत अच्छे थे। उनकी एक एक एक्टिविटी मैं देखी, उसके अंदर बहुत वंडरफुल उनका ब्रेन था, वंडरफुल उनकी जो है ना बुद्धि थी, सोच थी, और व्यवहार कुशल थे। कोमन स्नानाग्रह होना, नालियां ढकी हुई होना, और अनाज भंडारण के लिए कमाल की बात है कि कैसे अनाज को भरा जाएगा उसकी भी विधि बड़ी तरीके से दिखाई थी। कैसे जो है ना वो बैलगाड़ी को या हाथ से खींच करके ऊपर कमरे के ऊपर तक उन्होंने गाड़ी बनाई, जिसको खींच कर ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर से अनाज भरेंगे। वंडरफुल, मतलब एक एक चीज, ईंटों की बनावट, गांव की, शहर की बनावट, कमरे की बनावट, क्या क्या सुविधाएं वहां देते थे, वो एक एक जानने के बाद लगा कि उनकी बुद्धि कितनी विकसित थी। अविकसित नहीं थी, विकसित थी। आज की बुद्धि एकदम डाउनफॉल में चली गई है। उस समय जो जहां स्याना था, समझदार था, उसने देखा, क्योंकि 51% अवगुण आ गए ना, उसने देखा कि हमारे ये परिवार के लोग गलतियां करते हैं, उनको गलतियों से रोकने के लिए जो उन्होंने नियम बनाए, जो उन्होंने डायरेक्शंस दिए, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, वही एक धर्म बन गया। जैसे भारत की धरती पर हमारे विद्वानों ने अलग अलग जो ऋचाएं लिखी, मंत्र लिखे, जो श्लोक लिखे, वो वेद कहलाए, उन्हीं को इकट्ठा करके वेद बनाया गया। ठीक इसी प्रकार कहीं पर सुकरात हुए, तो कहीं अफलातून हुआ, तो कहीं क्या बोलते हैं हमारे कन्फ्यूशियस हुए, तो अलग अलग कॉन्टिनेंट पर अलग अलग जो समझदार लोग थे, विद्वान लोग थे, वो हुए, और उन्होंने कहीं इब्राहिम था तो कहीं कोई और था, तो जो जो हुए उन्होंने अपने श्रेष्ठ विचारों को समाज के सामने रखा, वो एक धर्म बन गया, जिनके डायरेक्शन पर वो लोग चलने लगे, उनके रास्ते, बताए हुए रास्ते पर उनका जीवन चलने लगा, वे वहां का धर्म हो गया। इस झाड़ के अंदर विशेष रूप से पूरा इतिहास है, इस पर मैं कितनी देर बोलूं मुझे नहीं मालूम कि मैं कब बोलना बंद कर पाऊंगा, परंतु इसके अंदर हम इतिहास को देख रहे हैं कि हमारा पाषाण युग भी यहीं पर था, ताम्र युग भी यहीं पर था, और फिर धीरे धीरे जो भी आया और जो विद्वान बने, क्योंकि ये झाड़ विशेष रूप से धर्मों के प्रतीक को दिखा रहा है। यहां हमने सबसे पहले जैसे इब्राहिम आया, बुद्ध आया, क्राइस्ट आया, मोहम्मद आया, लेट लेट जो आए, और जैसे इब्राहिम आया, इब्राहिम ने जो ज्ञान सुनाया, जब तक उसको फॉलो कर रहे थे वो उसका गोल्डन पीरियड था, याद रखना है। उसके बाद जैसे ही वो गया, उसके बाद सिल्वर पीरियड शुरू हो गया। हर धर्म का सतो प्रधान पीरियड तब तक था जब तक उसको चलाने वाला रहा,
जब तक क्राइस्ट रहा तब तक गोल्डन पीरियड था, जैसे ही क्राइस्ट ने शरीर छोड़ा तो सिल्वर पीरियड शुरू हो गया। इसी प्रकार शंकराचार्य, इसी प्रकार महात्मा बुद्धि पर गुरु नानक, भले ये मोटे मोटे दिखाए हैं, आप विस्तार से समझ सकते हैं, जितने भारत पृथ्वी पर कॉन्टिनेंट बने उतनी शाखाएं इसकी निकली। वो सारे के सारे थे कौन? सारे के सारे सनातन धर्म वाले थे। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो दो कल्प तक चला, और ये सारे के सारे जो भी ब्रांचेस निकली, जो भी अलग हुए, वो थे तो सनातन धर्म वाले। इसलिए उन सब ने अपने बच्चों को एक बात बताई कि जहां हम रहते थे वो स्वर्ग था, वो स्वर्ग था, वो स्वर्णिम दुनिया थी। वो उन्होंने जैसे भी अभिव्यक्त की अपने अपने उसके बच्चों को मौखिक या लिखित रूप में, जिसके आधार पर आज सारी दुनिया ये कहती है कि भारत सोने की चिड़िया था। ये सब जगह है, उनके शास्त्रों में, उनके ग्रंथों में है कि कभी स्वर्णिम दुनिया थी। ये जहां हम रह रहे हैं ये स्वर्णिम दुनिया नहीं थी। यही बात बाइबल में लिखी कि ईसा से तीन हजार साल पहले स्वर्ग था, ये बाइबल में लिखा गया। इसी प्रकार इब्राहिम ने लिखा, इसी प्रकार दूसरे धर्म पिताओं ने भी अपने तरीके से लिखा। और ये बात बाबा ने मुरली में बहुत अच्छी तरह स्पष्ट की कि वो कहते हैं स्वर्ग था, परंतु जब स्वर्ग था तो हम नहीं थे। इसीलिए भारत में लिखा गया कि हम स्वर्गवासी थे, यही धरती स्वर्ग थी। इसी कारण सब इतिहास मिल करके इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था। और जो हमारे पास इतिहास अवेलेबल है, उस इतिहास के पन्ने सारे पलट के देख लो, किसी भी समय को आप स्वर्णिम दुनिया नहीं कह सकते। पाषाण युग से लेकर अब तक जितना भी इतिहास भारत का, भारत में अवेलेबल है, किसी भी समय को स्वर्णिम युग नहीं कह सकते। तो स्वर्णिम युग जब था उस समय का इतिहास पूरी दुनिया में कहीं अवेलेबल नहीं है। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम जाओ स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, प्रोफेसर्स को, गवर्नमेंट्स को कहो कि हम आपको सच्चा सच्चा इतिहास और भूगोल बता सकते। आप हमें अवसर दो कि हम आपको सच्चा सच्चा भूगोल और इतिहास बताएं। तो वो शुरू होता है, जो इतिहास अवेलेबल है यहां से शुरू, और यहां से सभी धर्म पिताएं जब गए तो एक जैसे धर्म पिता इब्राहिम गया, तमो प्रधान अवस्था आई, फिर उसके बाद आगे वाले जो थे उन्होंने अपनी अपनी कुर्सियां अलग करना शुरू कर दिया। हर एक ने धर्म में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन किया और एक धर्म की अनेक धर्म बन गए। जैसे सनातन धर्म से इतने सारे धर्म बने, ऐसे ही एक धर्म से अनेक धर्म बन गए। आज यदि आप छोटे सा, मैं आपको एग्जाम्पल दू, वर्तमान एग्जाम्पल, कि गुरु नानक जी ने सिख धर्म की नींव रखी, हालांकि उसने कोई ये नहीं कहा कि मेरा कोई सिख धर्म है, वो भी गुरु गोविंद सिंह दसवें गुरु ने ये फिक्स किया कि आज से हमारा ये सिख धर्म रहेगा और हमारा ये ग्रंथ साहिब भी हमारा गुरु रहेगा, इसी के आधार पर हम चलेंगे। परंतु आज यदि भारत के अंदर देखें, इस सिख धर्म से निकलने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है, लिमिट नहीं, काउंट नहीं कर सकते। ये जितने भी
सिख धर्म से निकले हुए हैं, निरंकारी हैं, निरहंकारी हैं, और यहाँ पर अकाली दल वाले हैं, और भी बहुत सारी शाखा, राधा स्वामी हैं, ये सारे सिख धर्म से निकले हैं, धन धन सतगुरु हैं, ये सारे सिख धर्म से ही निकले हुए हैं। और इतने हैं जिनके अभी तक नाम आम प्रचलित नहीं है, छोटे 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 गुरु अलग अलग बने हुए हैं, अपने मत अलग चला रहे हैं। तो मेरा भाव बताने का मतलब यह था कि ये सारे एक शंकराचार्य क्या कितने संन्यास की शाखाएं निकल गई। तो इसी प्रकार जितनी भी ये पत्ते दिखाए हैं, ये भी हमने पत्ते कम दिखाए हैं, क्या करें, है नहीं? तो चित्त इतने सारे धर्म हैं कि हम उनके नाम गिनती नहीं कर सकते, या मुख्य मुख्य धर्मों की आकृतियां यहां पर दिखाई हैं, मैं उनको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं तो आप समझ, कुछ दिखाई दे सकेगा आपको कि हमने इतना बड़ा कर दिया है। अब ये इब्राहिम है, सॉरी हाँ क्राइस्ट है, तो क्राइस्ट जब जाता है तो उससे कौन कौन से धर्म आते हैं, कौन कौन सी शाखाएं आती हैं, ये उनके धर्म गुरुओं के फोटोज हैं जो यहां पर दिखाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने धर्म बन गए, आप पत्तों की तो गिनती नहीं कर सकते हैं, ठीक है नहीं? एक से निकले और अनेक धर्म बन गए। ये इब्राहिम की शाखाएं आप देख रहे हैं, ये इब्राहिम आया और इब्राहिम जो गया तो इब्राहिम के जाने के बाद ये शाखाएं निकली, उनके जो मुख्य मुख्य धर्म बने उनके जो फोटोज अवेलेबल हैं उनको यहां पर लगाने का दिया गया। और ये पत्ते हैं, और पत्ते भी धर्म हैं, और भी पत्ते बने उनकी हम गिनती करके यहां नहीं लगा सकते, पर तो हम समझ सकते हैं कि ये कैसे कैसे धर्म बने। और यहां पर सनातन धर्म को दिखाया कि उसकी अवस्था कैसे नीचे हुई, कि जब सबसे पहले यहां पर सोमनाथ का मंदिर बना, शिव की भक्ति शुरू हुई जैसे मैंने पिछले चित्रों में बताया था, फिर राधा कृष्ण की भक्ति शुरू होती है, फिर लक्ष्मी नारायण की भक्ति शुरू होती है, फिर राम सीता की भक्ति शुरू होती है, फिर हनुमान गणेश की भक्ति शुरू होती है, फिर तपस्या शुरू होती है, फिर दुनिया भर के पाखंड शुरू होते हैं, और जब सारी दुनिया एकदम पतित और तमो प्रधान काली हो जाती है तब फिर परमपिता परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को पावन बनाने के लिए संगम पर सबको पढ़ाते हैं, और पढ़ाकर सबको पावन बनाते हैं, फिर से नई सृष्टि शुरू होती है। पढ़ाने के बाद क्योंकि नीचे हम नहीं दिखा सकते थे विनाश, क्योंकि नीचे हमने विकास दिखाना था, इस पेड़ से इस पेड़ तक आने में जो पेड़ नष्ट भी होना जरूरी है उसको इस झाड़ के लास्ट में दिखाया है, ताकि आप समझ सके कि जब सारी नई दुनिया की स्थापना हो जाती है तो शंकर के द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश होता है। इस आसुरी सृष्टि के विनाश में विज्ञान गर्वित अमेरिका यूरोपवासी लड़ेंगे, क्योंकि बम्स और मिसाइल बना रहे हैं, वो शोकेस में रखने के लिए नहीं है, वो चलनी है और सारी सृष्टि को आग लगनी है। और इतने बम्स और मिसाइल बना के रखे हैं कि ये धरती तो क्या ऐसी 10-20 धरतियां और भी हों उसको भी राख कर सकते हैं। और परमपिता परमात्मा ने कहा कि भारत के अंदर क्या होगा, वर्ग भेद, जाति भेद, रंग भेद, ये सब आप देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है, और यहां खूने नाहक खेल होगा, गृह युद्ध होंगे, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध होंगे, और प्रकृति के द्वारा आपदाएं आएंगी, बाढ़ आएगी, भूकंप आएंगे, जिसके कारण सारी दुनिया फिर से साफ हो जाएगी, जिसको आप पिछले वीडियो में सुन चुके हो, मैं उसे यहां पर रिपीट नहीं करूंगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो झाड़ है ये वंडरफुल झाड़ है, यहां धर्मों के चित्र दिखाए हैं, और हमने कुछ और चित्र भी ऐसे बना रखे हैं जहां हमने देश कैसे बने, एक देश से दो देश, दो देश से चार देश, छह देश, आठ देश बनते गए, जैसे भारत के अंदर भी एक ही भाषा थी,
इतने लोग थे जो एक ही जगह बैठकर बात कर सकते थे। जैसे जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ती गई, उससे एक से दो भाषाएं हुई, दो से छह हुई, छह से फिर 12 हुई, 12 से फिर 18 हुई, आज 143 भाषाएं और सॉरी बोलियां हो गई हैं, भाषाएं 24 हैं। तो भारत के अंदर अलग अलग जैसे जैसे लोग बढ़ते गए और वो दूर होते गए तो उनकी भाषा में भी अंतर आता गया। भारत की जितनी भी भाषाएं हैं सब संस्कृत से ही निकली हैं, कोई भाषा कहीं और से नहीं। बाकी विदेशी कोई आकर के हमारी भाषा पर प्रभाव डाल गए वो एक अलग बात है, परंतु जो मूल भाषाएं हैं जो भारत के अंदर निकली हैं वो भारत से संस्कृत से ही बिगड़कर बनी हैं। वो बिगड़ने का कारण यही बना कि जो लोग जितना दूर होते गए उतना उतना उनकी भाषा में अंतर आता गया, क्योंकि वहां के वातावरण के अनुसार उनके शब्दों में, उनके बोल में, उनके लिखने में अंतर आता गया। जो जिसने बोल दिया फिर आगे उसी को रिपीट करते जाते हैं। तो हमें समझ में आ रहा है कि सृष्टि का जो चक्र है ये 5,000 साल का है। सृष्टि की आयु 5,000 वर्ष है, कल्प वृक्ष की आयु 5,000 वर्ष है। तो हमें एक पेड़ से दूसरे पेड़ का बनना और उस पेड़ में परिवर्तन होना समझ में आया। अब हम इसके अंदर कुछ बाबा ने गुह्य बातें रखी हुई हैं, उन गुह्य बातों को भी मैं साथ में शेयर कर देता हूं। बहुत सारी गलत फहमियां परमपिता परमात्मा ने यहां दूर की हैं। परमपिता परमात्मा कहते बच्चे मैं अविनाशी बीज हूं, परमपिता परमात्मा शिव सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का आदि मध्य अंत को जानने वाला। यहां पेड़ को उल्टा दिखाया है, शास्त्रों में लिखा गया है कि कल्प वृक्ष उल्टा है। परमात्मा कहते बच्चे उल्टा इसलिए है कि मैं ऊपर हूं और मेरे से सारी सृष्टि पवित्र आती है और धीरे धीरे तमो प्रधान पतित बन जाती है। मैं आकर फिर इसे पावन बनाता हूं, सुलटा करता हूं, फिर ये पतित बन जाती है। इसलिए मैं हूं वैसे बीज, जैसा मैंने शुरू में बताया कि मैं इस सृष्टि का बीज हूं, मैं ही आकर सृष्टि को उल्टे से सीधा बनाता हूं, मैं आकर उल्टी गति से सीधी गति में ले जाता हूं, मैं आकर गिरती कला से चढ़ती कला में ले जाता हूं। अब दुनिया वालों ने क्या किया कि ये चित्र जब दूसरे धर्म वालों के हाथ में लगेगा आगे चलकर के, जो मुझे दिखाई दे रहा है वो इसकी व्याख्या करेंगे। जैसे आज दुनिया में कहते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ई तथ कथ ही ज्ञानी। के परमात्मा और ये संसार कैसे है इसको उन्होंने घड़े के साथ कंपेयर किया है। जैसे घड़ा पानी के अंदर है और घड़े में पानी है, ऐसे ही संसार है कि घड़े में परमात्मा है और घड़े के बाहर भी परमात्मा है। परमात्मा में संसार है, संसार में परमात्मा है, मतलब दोनों ऐसे घूम फिरा करके बात को कह दिया। अब परमात्मा कहते बच्चे मैं संसार ना मेरे अंदर संसार है और ना मैं संसार के अंदर हूं, ना मैं संसार के अंदर हूं ना संसार मेरे अंदर है, मेरे में सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। मेरे में सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, ना कि सारा संसार मेरे अंदर है, ये कल्प वृक्ष मेरे अंदर नहीं है। अब ये परमात्मा बता सकते थे, वरना हमारी बुद्धि तो ये कभी सोच भी नहीं सकती थी।
बाबा ने क्या वंडरफुल चित्र बनवाए हैं, एक एक बात बड़ी वंडरफुल समझाने के लिए बाबा ने रखी है और मूल्यों में समझाई है। परमात्मा कहते मैं अविनाशी, बाबा क्या परमात्मा क्या है, अविनाशी बीज रूप परमात्मा शिव सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। सारा ज्ञान मेरे अंदर है, संसार मेरे अंदर नहीं है। मेरे ख्याल से पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है कि नहीं। और इसके साथ दूसरा पॉइंट यहां साथ में क्लियर किया हुआ है, वो है माला का 108 की विजयंती माला होती है, और उस वैजंती माला को, ये वैजंती माला दिखाई है बाबा ने, वैजंती माला जिन्होंने बाबा के ज्ञान पे चलकर विकारों पर विजय प्राप्त की वो है वैजंती माला। तो ऊपर सबसे ऊपर दिखाया बाबा कहते एक फूल होता है जिसे परमपिता परमात्मा शिव कहेंगे, उसके बाद प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती का डबल धारणा होता है, और उसके बाद 108 आत्माएं वो जो टॉप में परमात्म कार्य में सहयोगी बनती हैं, अपने विकारों पर विजय प्राप्त करती हैं और सारे संसार को श्रेष्ठ बनाने में सहयोगी बनती हैं, वो विजय माला का दाना बनते हैं, वो विजय माला में आते हैं। तो ये है वैजयंती माला। तो वैजयंती माला के बारे में हमें समझ में आया, और सृष्टि चक्र के पूरे झाड़ के बारे में भी समझ में आया, और यहां एक बहुत गुह्य राज छुपा के रखा हुआ है बाबा ने, जो बाबा ने नहीं बताया वो क्या है उसको हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे। मेरे पास 10 मिनट हैं और 10 मिनट में उसे मैंने समझाना है, ठीक है। यहां बीच में विष्णु को खड़ा कर दिया, बाकी सारे सफेद ड्रेस वाले तपस्या कर रहे हैं, पुरुषार्थी ब्राह्मण है, ये बीच में फालतू फंडका क्यों खड़ा कर दिया। ये मुझे पहले बहुत कंफ्यूज करता था, ये क्यों खड़ा है ये। फिर बाबा ने बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया कि विष्णु चतुर्भुज संगम समय का हर आत्मा का लक्ष्य है, हर आत्मा का लक्ष्य है संगम युग पर विष्णु चतुर्भुज बनना, क्योंकि ये अलंकार वास्तव में हम ब्राह्मणों के हैं, हम ब्राह्मण इन अलंकारों पर क्या कहते हैं लेने वाले, धारण करने वाले बने, अपने जीवन में लाने वाले बने। इस बात को दिखाने के लिए ये यहां खड़ा किया। वर्तमान में हमने पवित्र बनना है कमल पुष्प समान, कमल पुष्प समान हमको क्या बनना है, पवित्र बनना है, और पवित्र जब बनेंगे तो वो उसका आधार है ईश्वरीय ज्ञान। जब ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर हम पवित्र बनेंगे तो फिर हम जरूर सारे संसार को भी पवित्र बनाने की मेहनत करेंगे, सबको ज्ञान सुनाएंगे, फिर ज्ञान सुनाए बिना हम रह नहीं सकते। पवित्र बनेंगे, ज्ञान सुनाएंगे और अपने आप को सशक्त बनाने के लिए स्वदर्शन चक्र फिराएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराना माना सृष्टि के आदि मध्य अंत को बुद्धि में जब चक्र चलाएंगे कि सतयुग में ही हम देवी देवता थे, धीरे धीरे हम पतित हो गए, फिर हम देवता बनेंगे,
और देवता तब बनेंगे जब हम अपनी बुराइयों का गला काटेंगे। हमने किसी और का गला नहीं काटना, हमने अपनी बुराइयों का ही गला काटना है, अपने अवगुण का गला काटना है। जो ये हमारा वर्तमान में लक्ष्य है, जैसे ब्रह्मा कुमारी का लक्ष्य है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता बनना, ऐसे ही वर्तमान समय में हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का लक्ष्य है विष्णु चतुर्भुज बनना, जिसके लिए मुरली में शब्द आता है मध्याजी भाव। मध्याजी भाव का अर्थ है विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को याद करना। अब कुछ भाई बहन समझते हैं मध्याजी भाव माना हमने विष्णु के स्वरूप को याद करना है। भक्ति में भी हम यही समझते थे कि विष्णु चतुर्भुज को याद रखना है, परंतु मध्याजी भाव का अर्थ है मेरे विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को याद रखो। मेरे का मतलब हर एक अपने विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को याद रखे। विष्णु चतुर्भुज स्वरूप में हमने किया था कि चार अलंकार हैं, चार हाथ हैं। ये चार हाथ चार अलंकार ये शो करते हैं कि विष्णु हम जो है दो हाथ लक्ष्मी के, दो हाथ नारायण के। मोटे रूप से हम देखते हैं कि विष्णु के चार हाथ दिखाए हैं, दो हाथ लक्ष्मी के और दो हाथ नारायण के। वास्तव में इसका सही अर्थ ये है कि हमने जितने भी जन्म लेने हैं, मैक्सिमम 84 जन्म लेने वाले के लगभग आधे जन्म पुरुष के होंगे, आधे जन्म स्त्री के होंगे, क्योंकि एक जन्म पुरुष बनते हैं एक जन्म स्त्री बनते हैं। लगातार कोई तीन जन्म तक मेल मेल या फीमेल फीमेल रह सकता है। तो जब हम आधे जन्म स्त्री के लेने वाले हैं, लगभग आधे जन्म हम पुरुष के लेने वाले हैं, तो हमें अभी संस्कार दोनों ही अपने में भरने हैं। जब आरंभ में भट्टी चली 14 साल की, उसमें बाबा ने बच्चों को विशेष रूप से ट्रेनिंग दी कि आपने कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं स्त्री हूं मैं ये काम नहीं कर सकती, या मैं पुरुष हूं ये काम मैं कैसे करूं। अभी ही आपने स्त्री वाले संस्कार भी और पुरुष वाले संस्कार भी दोनों अभी ही भरने हैं, अभी ही भरने हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कोई भी किसी काम के लिए ना नहीं कर सकता था, क्योंकि एक बोर्ड बना हुआ था, जिसने ना किया वो नास्तिक, जिसने भी ना किया वो नास्तिक। तो इस प्रकार से विष्णु चतुर्भुज हमारा वर्तमान में लक्ष्य है, क्योंकि अभी हमने दोनों ही संस्कारों को अपने में लाना है। एक बात, दूसरी बात, हमें वर्तमान में ही पवित्र बनना है। अभी हम पवित्र बनेंगे तो हम सतयुग में जाएंगे। तो वर्तमान में हम उसका लक्ष्य अपनी बुद्धि में रखें कि हमने विष्णु चतुर्भुज बनना है, ज्ञान सुनाना है, सुदर्शन चक्र चलाना है, कमल फूल समान पवित्र बनना है,
और गदा मीन्स हर वक्त अलर्ट रहना है कि कोई विकार, कोई कमी, कोई गलती हमारे जीवन में ना आ सके। तो उस भट्टी के अंदर भी यही बात बाबा ने कराई। और इसके बाद इस चित्र के अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण बात समझने वाली है कि नीचे ब्रह्मा बाबा बैठा हुआ है। ध्यान से देखना है कि नीचे ब्रह्मा बाबा बैठे हुए हैं मम्मा के साथ और बाकी सभी भाई बहनों के साथ। बैठे होने का मतलब है तपस्या कर रहे हैं। उसके बाद तपस्या करने के बाद नेचुरल लास्ट में हम देखेंगे कि ब्रह्मा बाबा इस कल्प वृक्ष के लास्ट में खड़े हुए हैं। ब्रह्मा बाबा कल्प वृक्ष के लास्ट में खड़े हुए हैं। खड़े हुए होने का मतलब नीचे विष्णु खड़ा हुआ है। नीचे विष्णु को खड़ा रखा है। ब्रह्मा सो विष्णु बनना है, इसीलिए नीचे विष्णु को खड़ा रखा हुआ है और ऊपर ब्रह्मा खड़े हुए हैं। बहुत ध्यान से इस बात को नोट करना है। नीचे विष्णु खड़ा है, ब्रह्मा बैठा है, परंतु नीचे विष्णु खड़ा है और ऊपर ब्रह्मा बैठा है, ब्रह्मा खड़ा है। ब्रह्मा का खड़ा होना मीन्स ब्रह्मा सो विष्णु बनना। अब यहां ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं और जिसको विष्णु को दिखाया गया, अभी जो मुरली हमने पढ़ी उसके अंदर बताया गया ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो श्री कृष्ण। ये विष्णु जो है क्या बनता है? श्री कृष्ण बनता है। विष्णु मीन्स संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना। जब परम ब्रह्मा संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करते हैं, चारों अलंकारों को प्राप्त करते हैं, सारे गुणों को अपने जीवन में धारण करते हैं, तो विष्णु सो श्री कृष्ण बनते हैं। इसीलिए कल्प वृक्ष के लास्ट में, हालांकि नीचे वाला भी कल्प वृक्ष का लास्ट है और ये भी कल्प वृक्ष का लास्ट है, आग लगने से पहले, आग लगने से पहले साइड में ब्रह्मा सो विष्णु सो श्री कृष्ण सतयुग का पहला राजकुमार एक पत्ते पर दिखाया है। और इस पत्ते को जड़ तने से थोड़ा अलग दिखाया है, जुड़ा हुआ नहीं है। वहां होते हुए भी कमल फूल समान न्यारा है, इसलिए कमल फूल को दूसरी तरफ दिखाया। जब प्रजापिता ब्रह्मा साकार ब्रह्मा अपने अंतिम जब 84वां जन्म होता है, उस 84वें जन्म के अंत में जब वो कमल के समान पवित्र बन जाता है, तब वो श्री कृष्ण के रूप में संगम पर जन्म लेता है। भाई जी, भाई हाँ जी, जी, क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, कल वाली भी रिकॉर्डिंग हो गई है, ठीक है, ठीक उसको मैं सेट करके भेजूंगा। हाँ जी, तो ये श्री कृष्ण जो है सतयुग का पहला राजकुमार बना। तो ये दो तीनों चीजों को एक ही साथ एक ही लाइन में दिखाया है, विनाश से पहले। इससे ये स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण संगम पर जन्म लेता है। ब्रह्मा के संगम पर तीन रोल हैं, एक साकार ब्रह्मा के रूप में, प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में सारे संसार की पालना करने की स्थापना का, पहला स्थापना का कार्य करने की शुरू करते हैं। 33 साल ये रोल चलता है।
और उसके बाद 33 साल शंकर का रोल चलता है, जिसमें संसार को नया बनाने के लिए पुरानी दुनिया का परिवर्तन कैसे करना होगा, पुरानी दुनिया को साफ कैसे करना होगा। नया मकान बनाना है तो पुरानी दुनिया तो साफ होनी चाहिए ना। तो शंकर का रोल करने के लिए उन्होंने सूक्ष्म रूप में अपना पार्ट प्ले किया, क्योंकि शंकर को ना अंगा दिखाया है, शंकर के को कपड़े नहीं पहनाए हैं, ये केवल बाघशाला या मृगशाला केवल इसलिए पहनाई गई कि नंगा कैसे हम इसको रखें। एक्चुअल में बात थी ना अंगा, बिना अंगों के, बिना शरीर के। शंकर का रोल है ना अंगा, बिना अंगों के, बिना शरीर के। इसलिए शंकर को कभी भी शहर में नहीं लाए, जंगल में ही दिखाया है। हमेशा जितनी भी उन्होंने कहानियां लिखी उसको जंगल में ही दिखाया गया है। तो वास्तव में शंकर के रूप में उन्होंने विनाश की, परिवर्तन की तैयारियां कराई। और उसके बाद विष्णु के रूप में 33 साल बाद जन्म लिया श्री कृष्ण के रूप में। अब भी ये नहीं कि केवल जन्म लेके साधारण मनुष्य की तरह वो अपना खेल पाल कर रहे हों। इस समय वे अपनी टीम के साथ, क्योंकि सतयुग कौन बनाएगा, जिन्होंने सतयुग में जाना है उन्होंने ही सतयुग बनाना है। जब श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने सतयुग में जाना है तो सतयुगी सृष्टि बनानी भी है। तो साइंटिस्ट जो एकदम 100% प्योर बन गए हैं, श्रेष्ठ बन गए हैं, पवित्र बन गए हैं, चरित्रवान बन गए हैं, वे अभी ही साथ के साथ, जन्म लेने के साथ वे नई बिल्डिंग्स कैसे बनेंगी, नया स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सतयुग की रचना कैसे होगी, सतयुग के महल, खान पान, रहन सहन, उन सब बातों की प्लानिंग। क्योंकि बनेगा मकान जब जमीन टूटेगी, साफ होगी, नई दुनिया बनेगी तब, परंतु उसकी जो तैयारियां हैं वो पहले से ही करके जाएंगे। क्योंकि आते ही मिनट मोटर, बाबा मुरली में कहते हैं मिनट मोटर, मिनट मोटर को समझना है। बाबा ने शब्द प्रयोग किया मिनट मोटर, परंतु मिनट मोटर को समझना है कि एक मिनट में मोटर बनके तैयार हो जाती है। जैसे मारुति कंपनी है, हम एक इस कंपनी का एग्जांपल ले रहे हैं कि ये एक दिन में 5,000 गाड़ियां तैयार करती है, एक दिन में 5,000 कारें तैयार होके निकल जाती हैं। तो आप सोचिए इतनी कारें एक दिन में तैयार हो तो एक कार तैयार होने में कितनी देर लगी, जबकि एक कार को पूरा बनने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसमें एक बेल्ट चलती है जिसमें किसी ने कुछ काम किया, किसी ने कुछ काम किया, किसी ने कुछ काम किया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, और लास्ट में वो कंप्लीट हो करके उतरती है। जो उतरती है वो 5,000 है, फटाफट कारें आ रही हैं और तैयार होकर जा रही हैं, परंतु एक कार को बनने में तो टाइम बहुत लगता है ना, तो उसके लिए पहले से ही सारी चीजें तैयार की हुई होती हैं। हर एक व्यक्ति अपना अपना पार्ट जोड़ता जाता है और फटाफट कारें बन बन के तैयार होकर उतरती जाती हैं। भाई एक हर एक का काम है, जिसने दो नट लगाने वो दो नट लगा रहा है, किसी ने टायर चढ़ाना है, किसी ने कुछ लगाना है, किसी ने कुछ लगाना है, हर एक अपना काम करता है और आगे, हर एक काम अपना करता है और आगे। इस प्रकार से एक दिन में इतनी कारें बन जाती। तो मैं समझ में आ गया होगा कि पहले से तैयारी करेंगे तभी जब आएंगे, आते ही हमारे लिए जो सतयुग की आदि रचना होंगी अपने लिए, क्योंकि वही बनाएंगे वही आएंगे।
जो आएंगे वही बनाएंगे और वही उनको यूज करेंगे। तो पहले से ही तैयारी करके जाएंगे, एक साल बाद जब वापिस आएंगे तो बस फटाफट वो बनाकर खड़े कर देंगे। ये भी हो सकता है कि जो अभी फायर प्रूफ, हर प्रकार से फुल प्रूफ राजाओं के लिए बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, चाहे वो धरती के अंदर हैं चाहे धरती के बाहर समुद्र के अंदर हैं, कहीं भी बना रहे हैं, वो भी हम तैयारी का आधार मान सकते हैं कि वो सुरक्षित ही रहे, क्योंकि साइंस अपने आप में बहुत तरक्की कर चुकी है। और फिर जो 100% प्योर चरित्रवान होंगे वो ऐसे बिल्डिंग्स बनाने में सक्षम होंगे और उनके शरीर वहां ही सुरक्षित रहेंगे और उसके बाद वो आकर अपने शरीर को पहनकर खड़े हो जाएंगे और दुनिया शुरू, और नई दुनिया क्या होगी, शुरू हो जाएगी। और कोई प्रश्न हो इस चित्र से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। और ये कल्प वृक्ष है जो एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष बनता है, मैं समझता हूं इस चित्र में मेरे हिसाब से और कुछ बचा नहीं है। कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। ओम शांति।